Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is the reproduction and the development in the reptiles. How reptiles reproduce and how their development from younger one to adult occurs or proceeds. Vertebrates could never be truly terrestrial until their reproduction and the embryonic development became separate from the standing on the running water. कोई भी वर्टिब्रेट मुकम्मल तौर पर तब टेरिस्टियल नहीं हो सकता जब तक उसकी रिप्रोडक्टिव जो स्टेजेस हैं वो वाटर फ्री नहीं हो जाती. फॉर वर्टिब्रेट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द एम्नियोटिक मेम्ब्रेन मेड कंप्लीट मूवमेंट टू द लैंड पॉसिबल. अब जो वर्टिब्रेट ज़मीन पर मूव किए उन के पास क्या अडाप्टशन थी, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी और दूसरा एमनियोटिक एक्ट थे जिसकी वजह से लैंड पे मूवमेंट पॉसिबल हो पाई. द एमनियोटिक एग्ज हाउएवर इज़ नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर. लेकिन जो एमनियोटिक एग्ज हैं, एमनियोटिक एग्ज का आपको पता है जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटाइज एंड द योक्स, वो कम्प्लीटली वाटर इंडिपेंडेंट नहीं है. इन एग्स के शेल्स के अंदर पोर्स होते हैं जो अलाउ करेंगे गैशियस एक्सचेंज को, प्लस वाटर को भी एवेपोरेट होने में हेल्प करेंगे. एमनियोटिक एग्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट एनर्जी एक्सपेंडिचर्स होता है उस पे पेरेंट्स का. एक्सपेंडिचर कहते हैं यूजेज को या खर्च को. अब डिसेंडेंट्स के टाइम के एंड पे तो वो उनके लिए तो एडवांटेजियस है, लेकिन पेरेंट्स का इस पे बहुत एनर्जी खर्च होती है या एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है. पेरेंटल केयर कुछ रेप्टाइल्स में आपको देखने में को मिलेगी. पेरेंट्स केयर करते हैं यंगर वंस की और उसमें वो अपने एग्स के गिर्द हाई ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं. ये जो एग्स हैं इनके अंदर आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ योक मिलेगी ताकि जो लार्ज डेवलपमेंटल टाइम पीरियड्स हैं उनमें एम्ब्रियो को फूड मिल सके और पेरेंटल एनर्जी और सम टाइम आफ्टर पोस्ट हैचिंग कहते हैं आफ्टर हैचिंग. एग हैचिंग के बाद भी पेरेंट्स केयर टेक कर रहे होते हैं यंगर वंस की. अकॉम्पेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्नियोटिक एग इज़ द नेसेसिटी फॉर द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Fertilization must occur in the reproductive tract of the female before the protective egg membranes are laid down around the egg. Upper third part of oviduct में फर्टिलाइजेशन होगी और जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं उनके सिंथेसिस से पहले ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है. तमाम मेल रेप्टाइल्स जो हैं विद एक्सेप्शन ऑफ द ट्यूटेरा दे हैव एन इंट्रोमिटेंट ऑर्गन जस्ट लाइक द पेनिस विच इज़ इन्वॉल्व इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. लिजर्ड्स एंड स्नेक दे पोसेस paired hemipenises. These are not true penises. These are the penis-like structure and the location of the penis-like structure is at the base of the tail and that are erected by being turned inside out like the finger of the glove. और जिसको कहते हैं उन्हें reproduction करनी होती है तो ये hemipenises ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे आप glove के या दस्ताने की कोई भी उंगली बाहर को नहीं निकालते इस तरह से. Gonads lie in the abdominal cavity. Gonads की location क्या है? Abdominal cavity. Males में pair of ducts मौजूद है जो deliver करता है sperm to the placenta. After copulation, sperms जो हैं वो spinal receptacle में store हो जाते हैं. This is present in the female reproductive tract. Secretion of the seminal receptacles nourish the sperms and arrest their activity. और उसकी activity को arrest कर देते हैं या रोक देते हैं. Sperm जो हैं वो female में store हो सकते हैं. 4 years तक turtle में store हो जाते हैं. 6 years तक कुछ स्नैक्स में स्टोर हो जाते हैं. इसी तरह जो टेम्परेट एरियाज के रेप्टाइल्स हैं उनमें स्पर्म ओवर विंटर ये स्टोर होते हैं. कॉपुलेशन या जो कॉपुलेशन है या जो आप कह लें कि मेटिंग है वो फॉल में होती है जब ऑर्गेनिजम्स एक हाइबर्निक्यूला में इकट्ठे होते हैं और फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होती है वो स्प्रिंग में होती है. इन इतना टाइम पीरियड तक वो जो फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है. जब टेम्परेचर फेवरेबल होगा तो तब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. इसका ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन ये सॉरी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट अरेस्ट क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न वही ये है कि अगर रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट हो जाती है तो डेफिनेटली जो मदर्स हैं वो बर्थ दे देंगी बेबी को. अब बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर ही फेवरेबल नहीं है और बेबी उसको सपोज बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसकी डेथ होने का चांस ज़्यादा होगा.
फर्टिलाइजेशन अपर थर्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट में है और ग्लैंडुलर रीजन जो है वो एल्ब्यूमेन और शेल को रिलीज करता है ओविडक्ट के, और शेल जो है इनका टफ होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। कुछ क्रोकोडाइल्स में एक्शेल कैलकेरियस है, यानी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा, वो रिजिड और हार्ड होगा जैसे कि बर्ड्स के एग होते हैं। पार्थिनोजेनेसिस भी आपको रेप्टाइल्स में नजर आएगी। पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द यंगर वंस विदाउट द फर्टिलाइजेशन, और जो पार्थिनोजेनेटिक स्पीशीज होती हैं उनके अंदर आपको मेल्स नज़र नहीं आते, यानी फीमेल्स ही फीमेल्स को बर्थ दे रही होती हैं। इसमें आपको इस पॉपुलेशन में हाई मोर्टेलिटी नज़र आएगी, और ये रीपॉपुलेट हो जाते हैं सर्दियों गुजरने के बाद, क्योंकि तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज पार्थिनोजेनेसिस का ही है कि जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी आपको नज़र आएगी, जीन सारे एक जैसे होंगे क्योंकि मेल्स तो होंगे नहीं, मियोसिस तो हो नहीं सकती, तो उसकी वजह से अगर कोई भी कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई एनिमल को कस्पोज को प्रीडेटर आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, तो पूरी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। इनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर रेप्टाइल्स के जो हैं ये भी बिहेवियरल हैं। अच्छा, अब कर्टशिप होता है रोमांस बिफोर द सेक्स। अब कर्टशिप बिहेवियर जो है ये सेक्सुअल रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होगा, यानी पहचानेंगे कि ये एनिमल मेरी स्पीशीज का है कि नहीं है। एंड द बिहेवियरल एंड द फिजोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन, हेड बॉबिंग, सर का झुकाना, ये मेल लिजर्ड्स में नज़र आता है। इसमें ये अपने सर के जो ब्राइट कलर पैचेस हैं वो शो करते हैं, गले के पैचेस, अपने सर के पैचेस फीमेल को, और अपनी बॉडी के जो इनलार्ज फोल्ड हैं वो दिखाते हैं। अब कर्टशिप इज इन स्नैक्स इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द टेक्टाइल स्टिमुलेशन, और लेजर स्नैक्स में जो कर्टशिप है वो डिपेंड करता है टच की स्टिमुलेशन पे। इसी तरह से टेल वेविंग है, ये आपको नज़र आएगी, मेल अपनी चिन को रगड़ता है अलॉन्ग द फीमेल बॉडी, उसके गिर्द अपनी बॉडी को मतलब लपेट लेगा, और वेव पास होती है पोस्टीरियर से एंटीरियर तरफ पे। इसी तरह से कुछ रेप्टाइल सेक्स हार्मोन्स को भी यूज़ करते हैं अपने प्रीडेट ये मेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वोकलाइजेशन शोर मचाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह रेप्टाइल एग्स जो हैं वो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं एग देने के बाद अबंडेंट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। कुछ टर्टल्स वगैरह वो अपने एग्स को प्लांट डेब्रिस में बरी करके रखेंगे। 100 स्पीशीज़ हैं रेप्टाइल्स की जिनमें कुछ हद तक पेरेंटल केयर मौजूद है। एक एग्जांपल है एलिगेटर की, साइंटिफिक नेम है एलिगेटर मिसिसिपियनिस, और इसमें फीमेल बिल्ड करेगी मोल्ड, उसमें एग लेइंग करती है, उसमें डेब्रिस 1 to 2 meters तक डालेगी, और उसके बाद वहाँ पे ही रहेगी कि अटैक करती है। अब जो इसके हैचलिंग होंगे उनका सेक्स डिपेंड करता है कि वहाँ का एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर होता है 32.5 to 33 तो मेल ऑफ स्प्रिंग होंगे, और अगर टेम्परेचर डाउन होगा 32 तक तो मेल और फीमेल दोनों हैचलिंग्स होंगे। ठीक है, फीमेल नियर विसिनिटी में रहेगी, और जब यंग वंस प्रोड्यूस हो जाते हैं उनकी हाई पिच कॉल को डिटेक्ट करके फीमेल फ्री करती है नेस्ट से अपने बच्चों को, और फिर ये अपने बच्चों को पानी में ले जाती है, वहाँ पर वो उस पर फीड करेंगे, जो वो खुद फीड करती है ना, उससे जो उसकी खुराक से जो टुकड़े वगैरह गिरते हैं उस उन पे फीड करेंगे, या फिर वो जो इनवर्टिब्रेट्स खुद पकड़ सकेंगे उन पे वो फीड करेंगे। ये है जी एलिगेटर मिसिसिपियनिस, और ये फीमेल शो करें, ये उसने नेस्ट बिल्ड किया हुआ, एग्स ले करने के बाद उसने प्लांट डेब्रिस के साथ कवर कर दिया है सारे नेस्ट को। दिस इज़ द कम्प्लीशन ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।